ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब हो गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने रविवार को ब्रह्मोस का एक और सफल परीक्षण किया। इसे इंडियन नेवी के जंगी जहाज INS चेन्नई से अरब सागर की तरफ छोड़ा गया। समंदर में बनाए गए एक निशाने पर ब्रह्मोस मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मदद से भारत के जंगी जहाजों को और ज्यादा ताकत मिलेगी। इसकी मदद से लंबी दूरी के टारगेट को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर DRDO, ब्रह्मोस और एयरफोर्स की टीम को बधाई दी है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। मिसाइल का टेस्ट कामयाब होने की जानकारी DRDO ने खुद ट्विटर पर दी है। DRDO ने ट्वीट में लिखा है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को आज 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नेवी के स्वदेशी युद्धपोत INS चेन्नई से टेस्ट किया गया। परीक्षण सफल रहा, इसने अरब सागर में मौजूद टारगेट पर निशाना लगाया था। मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। ब्रह्मोस का टेस्ट कामयाब होने पर DRDO ने कहा कि ब्रह्मोस एक प्राइम स्ट्राइक वेपन है। इससे हमारे जंगी जहाजों को लंबी दूरी तक सतह से सतह पर वार करने में मदद मिलेगी। 2 हफ्ते पहले ओडिशा के चांदीपुरा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया था। उस समय भी इसने परीक्षण के तमाम पैमानों को कामयाबी के साथ पूरा किया था। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के DRDO ने रूस के NPO मैशिनोस्ट्रोनिया के साथ मिलकर तैयार किया है। ये उन चुनिंदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है जो भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल हैं। इसके नए एडिशन का प्रपुल्शन सिस्टम, एयर फ्रेम, पावर सप्लाई समेत कई अहम उपकरण देश में ही विकसित किए गए हैं। ये खास तौर पर पनडुब्बियों, जहाजों और दुश्मन की नावों को निशाना बनाने में मददगार साबित होगी। INS चेन्नई की बात करें तो साल 2016 में ये स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नेवी में शामिल हुआ था। ये ऐसा तीसरा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है जिसका डिजाइन पूरी तरह स्वदेशी है। कवच चैफ डिकॉय सिस्टम से लैस ये वॉरशिप दुश्मन के रडार को चकमा देने के साथ 2 हेलीकॉप्टर को भी ढोकर ले जा सकता है। इस कैटेगरी का पहला जंगी जहाज INS कोलकाता था, जिसे 16 अगस्त 2014 को भारतीय नेवी को सौंपते हुए समंदर में उतारा गया था। इसके बाद 30 सितंबर 2015 को INS कोच्ची भारत की समुद्री सीमाओं का पहरेदार बना था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।